अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद नाज। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, ग्रीन मूंग दाल के डोसे, जो बहुत ही टेस्टी होते हैं। प्रोटीन और फाइबर रिच ब्रेकफास्ट की रेसिपी है जिस और आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है और आपको वेट लॉस में भी बहुत ही हेल्पफुल है। इस ग्रीन मूंग दाल डोसे को बनाना बहुत ही ईजी है, जिसे हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनाया है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम एक कप ग्रीन मूंग की दाल लेंगे। इसी के साथ साथ इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून चावल को लिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पानी ऐड करके 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। और इसके बाद हम इसको 4 से 5 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 कप मूँग की दाल ली है और 1.5 कप हमने यहाँ पर पानी लिया है। अब इसको ढक कर 4 से 5 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देंगे। देखिए तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद अब हमारी दाल अच्छे से फूल गई है। अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है, उसमें हम मूंग को ऐड कर देंगे। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आप इसे इस ब्रेकफास्ट को अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये। अब इसमें हम 1 इंच अदरक के टुकड़ों को ऐड कर देंगे और इसके बाद 2 हरी मिर्च को इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम उसमें 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए हमने इसको पीस लिया है, अब ये दरदरा है। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर देंगे और पानी हमने यहाँ पर मूंग सोक करने के लिए रख दिया था पानी, वही इस पानी इसमें ऐड कर देंगे। और इसको फिर से हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमने यहाँ पर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, एक बॉल में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी बैटर हमारा थोड़ा थिक है तो इसमें हम बचा हुआ पानी इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो डोसा बैटर हमारा रेडी है। हमने यहाँ पर पैन को गर्म कर लिया था, अब हम चम्मच की मदद से पैन के ऊपर इस तरह से डोसे के बैटर को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे हल्के हाथों से। और इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल को ऐड कर देंगे। अब इसको हम लो फ्लेम पर कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। तो देखिए 1 से 2 मिनट के बाद डोसा हमारा अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब इसको हम हल्का सा इसके साइड्स को निकाल लेंगे। तो देखिए परफेक्ट बन गया है डोसा हमारा। अब इसको हम निकाल लेंगे, देखिए कितना परफेक्ट बना है। और बाकी बचे हुए बैटर से हम भी डोसा बना लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर डोसे बना लिए हैं जो बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनकर रेडी हैं। ये हमारे गर्मा गर्म मूँग दाल के डोसा जो बहुत ही क्रिस्पी और करारे हैं और बहुत ही टेस्टी भी बनकर तैयार होते हैं। आप इसके साथ नारियल की चटनी खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और करारे होते हैं, जिसे हमने बिना फर्मेंट किए और बिना सोडे के बहुत ही इजी तरीके से बनाया है। मेरी आने वाली और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, कमेंट करें। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।